दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। और जैसा कि ये वीडियो के टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो हम कियोस्क ऑपरेटर या कियोस्क संचालक एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कुछ बेसिक थ्योरी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि आप सभी का जानना ये था कि क्या हमको ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट का काम करना चाह रहे हैं, बैंक का क्यों संचालित करना चाह रहे हैं, तो आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कराता है। इसका लगभग 950 रुपये शुल्क होता है। और इसमें टोटल जो बेसिक बैंकिंग है, जिसमें कि आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना, उससे संबंधित जो सपोर्टिंग योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, इस टाइप के जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, उनके बारे में बेसिक जानकारी, टाइप ऑफ अकाउंट, लोन रिकवरी, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इस टाइप की कुछ बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। और ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो पुराने BC हैं उन लोगों के लिए भी होना ज़रूरी है, और जो नए BC के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी IIBF का एग्ज़ाम ज़रूरी है। मैं 2014 से बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों को 2015 में ये बताया गया था कि आपको IIBF का एग्ज़ाम पास करना है। और जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ आपको कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने जो इसकी फ़ीस भी थी लगभग 900 रुपये की, हम लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही दी थी। लेकिन हम लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट हुआ था कि उस समय चूंकि नया नया एग्ज़ाम आया था, बहुत सारे ऐसे BC थे जिनको ये एग्ज़ाम देना था, तो बैंक ने BC की सहूलियत को देखते हुए इन हाउस एक एग्ज़ाम कराया था। इन हाउस एग्ज़ाम का मतलब होता है कि बैंक ने खुद ही एग्ज़ाम पेपर बनाया, हम लोगों को उसकी ट्रेनिंग दी, सिखाया, और उसके बाद उसने एग्ज़ाम लिया। और 3 चरणों में जबलपुर रीजन में तो ये हुआ था, तो हम लोगों का भी एग्ज़ाम हुआ था। और इत्तेफाकन जिस दिन IIBF का एग्ज़ाम होना था, उसी दिन हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम हुआ। तो हमने फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एग्ज़ाम सिलेक्ट किया, और उस समय हमारा फर्स्ट रैंक इसमें लगा हुआ था। 100 में से हमको 97 मिले थे, और टॉप इस मामले में भी था कि अबव 70 किसी और का उस समय नहीं गया था। और बाद में बैंक ने इसका प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र इस रूप में हम लोगों को दिया था। यदि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर 2015 को, और सर्टिफिकेट हमको मिला था 1 फरवरी 2016 को। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया था। मेरे को नहीं लगता कि कोई और दूसरे बैंक ऐसे हैं जो कि इन हाउस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का सोच रहे होंगे या कराए होंगे। वो आपको IIBF का ही एग्ज़ाम देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, आप लोगों के मन में संशय होता है कि हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको लेके भी आप फिक्रमंद मत होइए, परेशान मत होइए। सबसे पहला काम आप ये करिए कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन मत कराइए अभी। तो आप क्या करिएगा, हम लोगों ने अभी ये बुक मटेरियल लिया था, समावेशी बैंकिंग करके ये बुक है, वित्तीय समावेशन के बारे में। ये जो IIBF का एग्ज़ाम BC भाइयों को पास करना है, उसके लिए पूरा इसमें सिलेबस है। 245 रुपये की ये बुक है। अब मेरे को पता नहीं है MP में मिलती है कि नहीं, 2015 में ये MP में नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने इसको जो इनके पब्लिशर हैं दिल्ली में, वहाँ से हम लोगों ने इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था, और विद कुरियर लगभग 280 रुपये की हम लोगों को ये बुक आ गई थी। तो यदि आप लोग भी मंगाना चाहते हैं, तो ये बुक आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन शायद अमेजन में भी अब ये मिल जाती है, और ये लोकल आपके स्टोर में भी मिल जाएगी। तो आप ये बुक ले लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी बहुत सारी शंकाएँ दूर हो जाएंगी, और आप इसमें नया कोई अपडेट, नया वर्जन इसमें नहीं आया हुआ है। इसको पढ़ लेने के बाद आप वो एग्ज़ाम इजीली पास हो जाएंगे। हालांकि मेरा जो अनुभव है कि IIBF का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है बनिस्पत इन हाउस एग्ज़ाम के। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे, तो इसका जो सिलेबस है, एक तो बेसिक बैंकिंग के बारे में है, बैंकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, लोन रिकवरी, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा लोन वगैरह के बारे में ये पूरी इसमें दिया हुआ है। कुछ कैलकुलेशन करके देना है हमको, किस तरह से लोगों को परामर्श देना है, सलाह देना है बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में, उनको बचत करने के बारे में, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। और इसी से संबंधित ही IIBF के क्वेश्चन पेपर आएंगे। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, 4 सवालों के जवाब आते हैं, और उसमें से कोई एक आपको टिक करके देना पड़ता है।
एग्ज़ाम की फ़ीस मैं आपको जैसा बता चुका हूँ 900 रुपये के आसपास ये ऑनलाइन रहेगी, और वो आप पे करने के बाद उसका शेड्यूल आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कब आप वो एग्ज़ाम देना चाहते हो। यदि आप नए BCE के लिए अप्लाई कर भी रहे हैं तो पहले से आप IIVF का एग्ज़ाम पास कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। पहले से आपके पास रहेगा तो आपको बैंकिंग कोड अलॉट होने में भी आसानी हो जाएगी, आप जल्दी से आपका कोड जनरेट हो जाएगा, आपको प्रोसीजर में समय नहीं लगेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये जो बुक है वो टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की है, और मैं स्क्रीन में थोड़ा पास में रख रहा हूँ, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं इसका नहीं तो एड्रेस जो है वो और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं पब्लिकेशन के, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से ये बुक को परचेज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट बचते हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको जल्द से जल्द दे पाऊँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, वीडियो को लगातार आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।